ये ले लो उन दोनों के लिए। ये ले ऐसे अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और आज जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ घर में जो रबीउल अव्वल की तैयारियाँ चल रही हैं। तो चले मैं शुरू करती हूँ यहीं से अपना व्लॉग। गाइस मैंने बाप को बोला लाइटें लगाए, बाप ने रात में लाइटें लगाई और झंडा भी लगाया। और रबीउल अव्वल में कौन लाइटें लगाते हो चैनल तो सरप्राइज करना नहीं भूलेगा। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने भी अपने घर में लाइटें लगाई हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, ये है ना। हाँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तलबशा और इब्राहिम की जो है ना, ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे 2000 मिलियन होना चाहिए। अच्छा, 2000 मिलियन होना चाहिए भाई। ठीक है गाइस, तो ये सारा घर सजा है रबीउल अव्वल की खुशी में। जो है ना तलबशा को लेकर जा रहे हैं, कुछ पेजेस वगैरह लेना थे, वो फ्लैग लेना है और डिस्ट्रीब्यूट का कोई सामान लेना है रबीउल अव्वल के लिए। तो चलें देखते हैं। गाइस ये देखिए ऊपर स्लाइड, उधर रखो बता दें कितने होगा और क्या होगा। नीचे तो ये बना एक ही वाला देते, कितने होगा? एक लेना दो बड़ी। अच्छा, हमने चॉकलेट्स बिस्किट और केक वगैरह जो परचेस कर लिए हैं, तो अभी मैं घर पहुंच के तो वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अब हम आ गए हैं यहाँ पर बेजिस वगैरह लेने के लिए। तो मैंने तलबशा से कहा कि वो देख ले और उसको जो भी मतलब अच्छा लगता है बेज या पसंद आता है तो वो फिर परचेस करेंगे। तो तलबशा ने 2-3 निकाले हैं, अब वो बाजी से मशवरा कर रही है। फिर जो मतलब पसंद आते हैं शानदा को और तलबशा को तो फिर बाजी वो जो है परचेस कर लेंगी। तो देखें इनकी शॉप पर काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और बस ये रबीउल अव्वल पे जो है ना खुशी होती है बच्चों को, तो वो इस तरह की बेजेस वगैरह और फ्लैग लेते हैं। तो अभी जो है तलबशा ने 2-3 बेजेस पसंद कर लिए हैं और दूसरे साइड पे जो है ना इनके फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी फ्लैग भी जो है ले लो। हाँ गाइस, हाँ क्या गाइस, इस दुकान पे आए तो कमेंट में बताना। ये देखो सही लग रहा है। ये कितने का? 30 रुपए का। ये ले लो उन दोनों के लिए। ये ले लो। हाँ। ये भी कहाँ? ये कितने का? इन लोगों के लिए आदि और ग्राम के लिए सर पे ले ले और मुझे। इसको हाथ पे लटकाने हैं। बाइक में तो लगा ना, दूसरा देख लो छोटे रहना। 60 का। ये कितने का? 40 रुपए। ये 60 के बाइक के सारे। अच्छा बाइक के हैं ये, बाइक वाले लगे। बाइक वाले तो मैं क्या करना है? ये हाथ पे लहराने के लिए कहाँ हिलाओगे ऐसे? मक्का बना रहा हूँ, मक्का बना रहा हूँ। इब्राहिम जो है बाजी देगी, इब्राहिम के पास ओहो शानदार दे देगी। लोग जो है वापसी आ गए और तलबशा देखे आगे भागती जा रही है और बाजी डांट रही है कि हमारे साथ चलो, लेकिन तलबशा जो है ना आगे निकल गई है।
अच्छा ये चीज़ें आ गई हैं जो हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना तलबशा को लेकर, तो ये बिस्किट लिए हैं तलबशा ने, एनिमल्स वाले थे ये पसंद आए थे। इसके अलावा ये लिए हैं दाल मूट और बटर कुकीज़ ये जो है, और ये चॉकलेट्स लिए, तो ये तलबशा कह रही थी अच्छी होती हैं, तो मैंने कहा चलो इसके 2 पैकेट ले लेते हैं, तो ये 2 पैकेट ले लिए ये। और ये जो है तलबशा कह रही थी इसमें होते हैं सौंफ वगैरह, तो इन चीज़ों की जो है तलबशा और शानदार जो है उनको लेके गए थे कि वो बता देंगी कि कौन सी चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं, ताकि अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो बच्चे शौक से खाएं। तो ये सब चीज़ें आ गई हमारी, अब ये कि रात में डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो फिर मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। ये देखें बाकी बेच वगैरह लिए थे तो वो मैं बाद में, मतलब जब तलबशा लगाएंगी तो फिर उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा ये जो है ना तलबशा और शानदा के लिए दोनों बेच, और अब्दुल हादी और इब्राहिम के ये हैं, एक अब्दुल हादी का इसमें और एक इब्राहिम का है, ये दोनों दोनों के हैं लड़कों के। और ये आ गई शानदा के और तलबशा के। अच्छा उसके लिए जो है ना हलीमा के लिए चूड़ियाँ और लॉकेट जो मैंने दिखाया था बस वही है, शायद बाजी ने हलीमा का बेच नहीं लिया। एक तैयारी तो वो थी जो मैंने आपको दिखाई, लाइटिंग वगैरह हो गई, दूसरी तैयारी फ्लैग वगैरह बेजिस और डिस्ट्रीब्यूट का सारा सामान लेना था। तीसरी तैयारी जो है ना वो बाजी कर रही होती हैं, फर्स्ट रबीउल अव्वल से जब से चांद नज़र आता है तो बाजी सबके लिए ड्रेस तैयार करना शुरू हो जाती है, मतलब सबके लिए न्यू ड्रेस जो है वो सीना शुरू हो जाती है। और इन सूट्स में होता ये कि सबके ग्रीन शेड के सूट होते हैं, सब ग्रीन कलर के ही 12 रबीउल अव्वल को सूट पहनते हैं, कलर किसी का डार्क या लाइट होता है लेकिन होता सबका ग्रीन शेड है। तो इस तरह से हम लोग ईद मिलादुन्नबी की खुशी मनाते हैं, और जो मतलब सवाब के लिए जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना होती हैं वो 12 रबीउल अव्वल के दिन और 12 रबीउल अव्वल की शब जो होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो सवाब पहुँचाने के जितने तरीके होते हैं जो हम कर सकते हैं वो हम लोग 12 रबीउल अव्वल को करते हैं। ये हलीमा का सूट आ गया है 12 रबीउल अव्वल को पहनने का, इसके साथ ये बाजी ने फ्राक बनाई है, ये ट्राउज़र है और ये छोटा सा दुपट्टा है इसका, तो और ये हलीमा की चूड़ियाँ भी आ गई, और ये आ गया इसका लॉकेट, ये आ गई हलीमा की। इसी तरह का तलबशा का भी होगा। हाँ लेकिन उसकी शर्ट है फ्राक। अच्छा उसकी फ्राक, ये दुपट्टा, ये बाजी ने जो है ना स्टिच किया है सूट रबीउल अव्वल के लिए, तो ये 12 तारीख को पहनेंगी दोनों। सारा जो है ना ये लेस वगैरह लगा के बाजी ने ये इस तरह से सारा काम किया है। अच्छा अब दूसरा जो है ये आ गया तलबशा का, ये अभी इस पर इस्तरी वगैरह हो गया फिर ये सही हो गया, तलबशा की चूड़ियाँ आ गई। और ये देखा ये लगाई हुई है बाजी ने तलबशा का, पूरा सूट है ये शर्ट और ट्राउज़र, और ये तलबशा का दुपट्टा आ गया इसी तरह का, उसकी फ्राक है हलीमा की और तलबशा की चूड़ियाँ भी आ गई, तलबशा का लॉकेट भी आ गया। तो ये तलबशा की चीज़ें हो गई और वो थी हलीमा की चीज़ें सारी, ये सब ये भी बाजी ने स्टिच किया है, ये इब्राहिम का है कुर्ता और सलवार वाइट, बाकी जो है ना ये रेडीमेड लेकर आई हैं हमने। अच्छा ये आ गया उरुज का सूट, और ये उरुज की इस तरह के बाजी ने ये गले का डिज़ाइन दिया है, और उसके सूट पे ज़्यादा मेहनत की है बाजी ने, मेरा तो सादा सा सिया होगा मुझे पता है बाजी। अच्छा ये इसका ही पहनती, ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी बाजी ने लेस लगाई है और दामन पे भी लेस लगाई है, देखो जरा उरूज के सूट पे खूब लेस लगी है ये, और ये दुपट्टे पे भी लगी है। तो उरूज का सूट रेडी हो गया है, प्रेस करेंगी उरूज, बाकी तो रेडी हो गया है सिर्फ प्रेस करना रह गया है, तो ये तैयार हो गया उरुज का रबीउल अव्वल का सूट, अब मेरा आएगा। ये आ गया मेरा सूट सिंपल सा, कोई बेल का काम नहीं है इस पर, सिर्फ ये गला बना हुआ है, ये देखें कहीं भी बेल का बाजी ने काम नहीं किया, एक बेल भी नहीं लगाई बाजी ने इस पर, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी सिल जाता है मेरा सूट, बाकी के सूट जो हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये दामन पर डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें
ये दामन का डिज़ाइन है, तो इसमें बेल का वैसे ज़रूरत भी नहीं थी शायद बेल की, मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा बेल वाले सूट, पसंद ही नहीं है। और ये इसका दुपट्टा आ गया, अभी प्रेस होगी फिर सही आएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये क्या पीको करवाई हुई? अच्छा, ये इसका ट्राउज़र है, अभी इस पर भी प्रेस करूँगी तो फिर ये सही होगी। लाइट नहीं है, बगैर लाइट के काम हो रहा है। एक ही बाजी ने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिए सबके सूट, अम्मी का, बाजी का ये, और शानदार हम लोगों के सूट रेडी हो गए। ये जो है बाजी का सूट है, और बाजी ने अपनी ये देखें ये लेस लगाई है इसमें, मैंने इसका दुपट्टा बनाया इसलिए। अच्छा अच्छा, ब्लू दुपट्टा है बाजी का, अच्छा इसलिए ये लेस लगाई इसलिए। अच्छा ये देखें, ये जो है ना ब्लू कंट्रास्ट किया है, तो बाजी ने ये अपनी तो अच्छी अच्छी पहले लगाई बाजी, और पहनती नहीं हो। और ये जो है ना, ये दामन पे लेस लगी हुई है बाजी की, ये डिजाइनिंग की हुई है बाजी की। इधर मम्मी का सूट आ गया, ये जो है अम्मी का सूट आ गया, इसका इस तरह का गला बना हुआ है, और ये इस पर काम किया हुआ है, मतलब ये आया ही काम किया हुआ था। इसमें लेस वगैरह लगी है? इसमें कुछ नहीं है। ये दामन, दामन तो बने हुए ना, प्रिंट है। अच्छा प्रिंट ऐसा है इसका, इसमें लेस की जरूरत नहीं थी। नहीं। और इसकी आस्तीन है शेफून की? नहीं, दुपट्टा शेफून का। अच्छा दुपट्टा शेफून का, शेफून का दुपट्टा। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया, ये अम्मी का सूट हो गया रबी अव्वल का। अब रह गया शानदा का लास्ट, और ये बाजी का सूट जो मैंने अभी दिखाया था, ये दामन पे लेस लगी हुई है बाजी की, और ये आस्तीन है, और ये कंट्रास्ट किया है दुपट्टे से बाजी ने। मैंने कहा ये लेस बाजी, बाजी ने कहा ये दुपट्टे से कंट्रास्ट की हुई है। तो ये आ गया बाजी का, अब रह गया शानदार का। अच्छा इस पे बाजी ने की है डिज़ाइनिंग, ये जो लेस वगैरह जो है ना, कुर्ता स्टाइल बनाया बाजी के रही, इसमें सिर्फ गला बना हुआ आया था, तो ये सारी डिज़ाइनिंग बाजी ने की है। ये जो स्टाइल दिया है ना केरी बाजी, कुर्ता स्टाइल बनाया है। तो इसका दुपट्टा कैसा है भाई? अच्छा इसकी आस्तीनों पे क्या लेस लगी हुई है? ये है इसका, इसका दुपट्टा, ये भी शेफून का है? ये भी शेफून का। अच्छा ये भी शेफून का है, अब तो शेफून दुपट्टे पहनती नहीं ना। हाँ मैं शेफून पहनती नहीं। अच्छा नीचे भी लेस लगी है? नहीं इसमें नीचे नहीं, बस कलियों पे लगाई है और स्लीव पे लगाई है। अच्छा जो ग्रीन कलर, मेरा ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर सही है, बाकी सबके मेहंदी कलर है, किसी का कोई सा कलर है, है ना, शेप सबके मिल गए। तो ये हो गए सबके सूट सारे, इस पे ज़्यादा मेहनत हुई किस पे? शानदार, शानदार वाले सूट। अच्छा ये बच्ची के हिसाब से सिया बाजी ने, थोड़ा सा फैंसी स्टाइल कर दिया, ये फैंसी स्टाइल। बाजी ने सारा जो है ना इधर खजाना इस्त्री कर करके बाजी यहाँ पर टांगती जाती है सबके सूट, ही काफ़ी सारे सूट यहाँ पे, ये देखें ये सारे लाइन से जो है ना टंगे हुए हैं। अभी सिर्फ आगे जो है ना पहनने वाले हैं, जो रबी अव्वल में पहनना है, बाकी सब जो है पीछे दूसरे सूट हैं। ये आ गया शादिया का ड्रेस, और ये शादिया ने खुद स्टिच किया है, और इस पर देखें डिज़ाइनिंग की हुई है, आस्तीनों पे भी लेस लगी है, और ये दामन पे भी है, और ये इसका दुपट्टा और ट्राउज़र है। तो शादिया जो है अपने सूटों पर काफ़ी मेहनत करती है, तो डिज़ाइनिंग अच्छी बना लेती है। अभी प्रेस नहीं हुआ सूट, तो इस वजह से ये इस तरह का लग रहा है सूट, अभी प्रेस होगा तो इसका लुक और अच्छा आएगा। तो बस ये हो गए तमाम सूट, और गुड़िया का अभी पता नहीं चला हमें कि गुड़िया कौन सा ड्रेस पहन रही है 12 रबी अव्वल को। रबी अव्वल की तैयारियां जो हमारी चल रही थी वो मैंने आपको दिखाई हैं, तो अब मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।